हेलो एवरीवन वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया 2024 तो अपडेटेड लिस्ट है यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स फ्रेंड्स इस वीडियो में हम हर एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे साथ में उससे रिलेटेड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं तो उनको भी मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है साथ में फ्रेंड्स हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी समझेंगे और हाई कोर्ट है क्या है ना कैसे इसकी हाईराइकी होती है ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स मैंने पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है तो देखिए पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में ठीक है सुप्रीम कोर्ट जिसको हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं तो फ्रेंड्स ये जो है ये हाईएस्ट कोर्ट होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर ठीक है भारत गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर हाईएस्ट कोर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके साथ फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के हेड कौन होते हैं तो हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राइट और फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं तो यहाँ पे टोटल 34 जजेस होते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी देखा गया है कि कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट में थर्टी अदर जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि टोटल थर्टी जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट होते हैं तो आप ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश कब किया गया है इसको ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को स्टैब्लिश किया गया और करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है धनंजय यशवंत चंद्रचूड तो फ्रेंड्स ये हमारे फिफ्टीथ चीफ जस्टिस हैं इंडिया के याद रखिएगा नंबर भी इंपॉर्टेंट है फिफ्टीथ चीफ जस्टिस है और सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है तो ये है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में आप देख सकते हैं ये है सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर और ये है डी वाई चंद्रचूड जो कि हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं राइट तो फ्रेंड्स ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हाई कोर्ट के बारे में ठीक है तो हाई कोर्ट क्या है फ्रेंड्स उच्च न्यायालय बात करें इसके बारे में द प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट इज रिटर्न अंडर आर्टिकल टू वन फोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल नंबर टू वन फोर है ना टू के अंदर हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है क्या दिया हुआ है कि एवरी स्टेट शल हैव अ हाई कोर्ट ठीक है तो टू वन फोर आर्टिकल में बताया गया है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए इसके साथ एक और आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है 231 थर्टी वन यहाँ पे क्या बताया गया है देयर में बी वन एंड द सेम हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट तो दो और दो से ज्यादा स्टेट्स के एक हाई कोर्ट भी हो सकता है ये आर्टिकल 231 में बताया गया है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ये भी काफी बार देखा गया है तो फ्रेंड्स एट प्रेजेंट जो है ना टोटल हमारे पास ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव कोर्ट्स हैं इंडिया में ठीक है याद रखिएगा है कितने है? 25 हैं ट्वेंटी फाइव कोर्ट्स हैं जो भी रिसेंट वाला ट्वेंटी फिफ्थ हाईकोर्ट अगर आपसे पूछा जाए हमारे कंट्री का ये है अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है ठीक है तो फ्रेंड्स जब यहाँ पे डिवीजन हुआ है, स्टेट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है ये अमरावती में रखा गया तो इसके साथ अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स एमसीक्यू की तरफ आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा चीफ जस्टिस के बारे में सारे हाईकोर्ट हम डिस्कस करेंगे हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट ठीक है तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है तो फ्रेंड्स ये है ऋतु बहारी ऑप्शन नंबर बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स इसको 2000 ईयर में स्टैब्लिश किया गया था ठीक है ईयर 2000 में इसको स्टैब्लिश किया गया इसका मेन बेंच या आप कह सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है ये लोकेटेड है नैनीताल में और स्टेट टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन यानी कि इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि आर्टिकल टू में बताया गया है कि एक या दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के एक हाई कोर्ट हो सकते हैं ठीक है थीके? तो यहां पे आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से स्टेट्स जो है इस हाई कोर्ट के अंदर आते हैं ना फ्रेंड्स तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ उत्तराखंड स्टेट आता है तो इसका ज्यूरिडिक्शन जो है यहाँ पे है आगे बढ़ेंगे पिक्चर भी हमने आपके लिए इंक्लूड किया है ये है उत्तराखंड हाई कोर्ट नेक्स्ट देखिए हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट ठीक है तो फ्रेंड्स कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस है ना ये हैं टी एस शिवगनम गणनम ठीक है टी एस शिवगनम ये हैं कलकत्ता हाई के चीफ जस्टिस बात करें कैलकाता हाईकोर्ट के बारे में, तो में देखिए फ्रेंड्स काफी पुराना है 1862 में इसको सिक्सटी किया गया। इसका मेन बेंच कोलकाता में है और फ्रेंड्स इसके अंडर कौन कौन से आते हैं देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है और अंडमान एंड निकोबार आईलैंड आता है चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट तो फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो है ये है एन कोटेश्वर सिंह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है हर एक क्वेश्चन में फ्रेंड्स मैंने आपके लिए यहाँ पे पिक्चर इंक्लूड किया है जो भी चीफ जस्टिस होंगे उनके और जो नेक्स्ट स्लाइड है जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं वहां पे आपको हाई कोर्ट का पिक्चर देखने को मिलेगा ठीक है तो फ्रेंड्स अगर आपको जो वीडियो है अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं वीडियो की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे और भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम ओरियंटेड टॉपिक्स आपको हमारे चैनल में देखने को मिलेंगे राइट चलिए तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की बात की जाए तो 1928 में इसको स्टैब्लिश किया गया इसका मेन बेंच श्रीनगर जम्मू में है और फ्रेंड्स स्टेट टेरिटोरियल जुडिडिक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर आता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख नेक्स्ट हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ अलाहाबाद हाईकोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स एग्जाम में काफी बार देखा जाता है अलाहाबाद कोर्ट की प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो है ये है अरुण भंसाली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स इसको 1866 में स्टैब्लिश किया गया इसका मेन बेंच या हेडक्वार्टर हिंदी में मुख्य पीठ कहते हैं ये प्रयागराज में है और इसके अंदर आता है स्टेट उत्तर प्रदेश राइट right? चलिए अगला क्वेश्चन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आपको बताने हैं तो फ्रेंड्स हाई कोर्ट जो है आंध्र प्रदेश का यहाँ के चीफ जस्टिस हैं धीरज सिंह ठाकुर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनके बारे में देखिए फ्रेंड्स जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है ये 2019 में स्टैब्लिश किया गया इसका मेन बेंच अमरावती में है और इसके अंदर स्टेट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात की जाए तो इसके अंडर आता है आंध्र प्रदेश स्टेट तो आप देख सकते हैं ये है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट अगला क्वेश्चन रहेगा हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश कोर्ट के जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं ये है रवि विजय कुमार मलिमत ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है यहां देखिए इसको 1956 में स्टैब्लिश किया गया किसका मध्य प्रदेश कोर्ट को मेन बेंच इसका जबलपुर में लोकेटेड है और फ्रेंड्स इसके अंदर आता है मध्य प्रदेश स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट ये सब एग्जाम्स में काफी देखे जाते हैं ठीक है तो मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ये हैं संजय वी गंगापुर वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिएगा ठीक है संजय वी गंगापुर वाला मद्रास कोर्ट की बात की जाए तो 1862 में इसको फॉर्म किया गया स्टैब्लिश किया गया इसका मेन बेंच चेन्नई में है और इसके अंदर आता है तमिलनाडु और पुदुचेरी ठीक है अगला क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट तो फ्रेंड्स केरल हाई कोर्ट है ना केरला हाई कोर्ट के जो प्रेजेंट में चीफ जस्टिस हैं ये हैं आशीष जितेंद्र देसाई बात करें यहाँ पे केरला हाई कोर्ट की फ्रेंड्स इसको स्टैब्लिश किया गया है ईयर 1956 में ठीक है मेन बेंच कोची में लोकेटेड है और इसके अंदर आते हैं केरला और लक्षद्वीप अगला क्वेश्चन रहेगा आपका हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट तो फ्रेंड्स तेलंगाना हाई कोर्ट के प्रेजेंट में चीफ जस्टिस हैं आलोक आराधी तेलंगाना हाई कोर्ट की बात की जाए फ्रेंड्स तो इसको 2019 में एस्टेब्लिश किया गया इसका मेन बेंच हैदराबाद में, में लोकेटेड है और इसका जो स्ट्रेट टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है ये तेलंगाना के लिए है ठीक है अगला क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हाईकोर्ट कर्नाटका हाईकोर्ट के फ्रेंड्स प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीले विपिन चंद्र अंजरिया राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटका हाईकोर्ट की बात की जाए तो देखिए फ्रेंड्स काफी पुराना है ये भी 1884 में स्टेब्लिश किया गया बेन मेंच इसका बेंगलोर में है और इसके अंदर जो जुरुडिक्शन है ये कर्नाटका स्टेट का है अगला क्वेश्चन रहेगा हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट तो फ्रेंड्स झारखंड हाई कोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं श्री चंद्र शेखर ओके तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स झारखंड हाई कोर्ट को 2000 में स्टेब्लिश किया गया मेन बेंच इसका रांची में है और फ्रेंड्स इसके अंदर जुरिडिक्शन जो है ये झारखंड स्टेट का है चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे देखिए हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तो फ्रेंड्स पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस यहां पे कौन है यह है गुरमीत सिंह संधावालिया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसको 1966 में एस्टैब्लिश किया गया था मेन बेंच चंडीगढ़ में है और स्टेट टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर आते हैं पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ नेक्स्ट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम कोर्ट बताना है फ्रेंड्स आपको तो सिक्किम कोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं यहाँ पे विश्वनाथ सोमादर ठीक है इनके बारे में देखिए तो यहाँ पे सिक्किम कोर्ट को 1975 में स्टैब्लिश किया गया आप पिक्चर देख सकते हैं ये सिक्किम कोर्ट का है मेन बेंच इसका गैंगटोक में है फ्रेंड्स और इसके अंदर आते हैं जुरुडिक्शन जो है ये सिक्किम स्टेट का है अगला क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट तो फ्रेंड्स मेघालय हाई कोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस इनमें से हैं एस वैद्यनाथन मेघालय हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया 2013 में मेन बेंच शिलोंग में है और स्टेट टेरिटोरियल जुडिशन मेघालय का है चलिए अगला क्वेश्चन हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट तो फ्रेंड्स पटना हाई कोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं के विनोद चंद्रन इसके बारे में देखिएगा इसको 1916 में किया गया यह भी काफी पुराना हाई कोर्ट है इसको इसका जो मेन बेंच है यह पटना में है और इसके अंदर बिहार का जुरुडिक्शन आता है फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई तो हाई कोर्ट तो उड़ीसा कोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस यहाँ पे हो बन जाते हैं चक्रधरी शरण सिंह इसको 1948 में स्टैब्लिश किया गया मेन बेंच कटक में लोकेटेड है और इसके अंदर आता है ज्यूरिडिक्शन उड़ीसा का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा गुवाहाटी हाईकोर्ट के जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं ये हैं विजय बिश्नोई इसके साथ इसको स्टैब्लिश किया गया था 1948 ईयर में ओके okay. इसके साथ बात की जाए मेन बेंच कहां पे है इसका गुवाहाटी में मेन बेंच है या फिर हेडक्वार्टर है स्टेट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है तो फ्रेंड्स असम नागालैंड मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन चारों स्टेट का जो ज्यूरिडिक्शन है ना ये आता है अंडर गुवाहाटी हाई कोर्ट ठीक है तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर इन चारों स्टेट का जुरिडिक्शन आता है याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट रहेगा राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको बताने हैं तो फ्रेंड्स राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव इसको किया गया 1950 में इसका में इसका इसका मेन बेंच जोधपुर लोकेटेड है और फ्रेंड्स आते हैं राजस्थान अगला क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट तो दिल्ली हाई कोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं मनमोहन ठीक है यहाँ पे बात की जाए दिल्ली हाई कोर्ट की तो नाइनटीन में स्टैब्लिश किया गया मेन बेंच न्यू दिल्ली में है और इसके अंदर आता है जो स्टेट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का आगे बढ़ेंगे तो यहां हाई कोर्ट के एटीन पे प्रेजेंट में स्टैब्लिश किया गया मेन बेंच इसका मुंबई में लोकेटेड है और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो जुरिडिक्शन आता है ये है महाराष्ट्र का गोवा का दादरा एंड नगर हवेली का और दमन एंड दीव का राइट right? अगला क्वेश्चन मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है तो फ्रेंड्स मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सिद्धार्थ मृदुल बात करें इस हाई कोर्ट के बारे में तो 2013 में स्टैब्लिश किया गया मेन बेंच इसका इम्फाल में है और जुरिडिक्शन इसमें मणिपुर का आता है चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात कोर्ट ठीक है तो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात कोर्ट है यहाँ पे सुनीता अग्रवाल गुजरात हाईकोर्ट को स्टैब्लिश किया गया 1960 में मेन बेंच अहमदाबाद में लोकेटेड है और जो यहाँ पे आता है गुजरात का अगला क्वेश्चन इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस हैं ये हैं एम एस रामचंद्र राव बात की जाए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तो 1971 में स्टैब्लिश किया गया मेन बेंच शिमला में लोकेटेड है और यहाँ पे भी ज्यूरोडिक्शन आता है हिमाचल प्रदेश का अगला क्वेश्चन हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के प्रेजेंट में चीफ जस्टिस है रमेश सिन्हा इसके बारे में देखिए स्टैब्लिश किया गया ईयर 2000 में मेन बेंच इसका बिलासपुर में लोकेटेड है और ज्यूरोडिक्शन आता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स और आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है देखिए त्रिपुरा हाईकोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है तो ये है फ्रेंड्स अपरेश कुमार सिंह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिपुरा हाईकोर्ट की बात की जाए तो इसको 2013 में स्टैब्लिश किया गया मेन बेंच अगरतला में है और जो यहाँ पे त्रिपुरा का आता है ठीक है तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके सारे इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट्स हमने जैसे बताया आपको वीडियो के स्टार्टिंग में में कि प्रेजेंट हमारे पास कितने हाई हाई कोर्ट्स कोर्ट्स हैं तो 25 टोटल प्रेजेंट हमारे इंडिया में तो उन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया 25 फाइव क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी स्टेब्लिशमेंट जो इसका हेडक्वार्टर है ये और ज्यूरिडिक्शन कौन से स्टेट्स का आ रहा है ये भी हमने आपको बता दिया है तो इस तरीके से पूरा वीडियो जो था आपके लिए एक अच्छा सा पूरा कम्पलीट वीडियो था जहाँ पे हमने हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे कवर कराया है ठीक है चलिए अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है पहला क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट कौन है आप हमें कमेंट करके बताएं राइट इसके साथ आपका एक और क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स टेस्ट क्वेश्चन देखिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है प्रेजेंट चीफ जस्टिस ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है ठीक है तो ये दो आपके टेस्ट हैं जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे साथ में फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे बताया है हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में ये है डब्ल्यू 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 डॉट रवि बुक्स पीडीएफ डॉट यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ईयरली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तो आप इस वेब देख रहे हैं आप ये है पिक्चर्स करंट अफेयर्स की ईयरली करंट अफेयर्स की पी की आप इस वेबसाइट से जाके इसको बाय कर सकते हैं ठीक है चलिए तो ये था हमारा आज का लास्ट लाइड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे